और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए किए गए पुलिस के सिपाही पर खनन माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर चलाए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को बुलाकर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो कल घटना हुई है और उस घटना की मैंने पूरी जानकारी तलब की है और साथ में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जो भी इसमें लिप्त हैं या जो भी इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिनकी संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो दोनों तरफ से। अगर कहीं पर विभाग के भी कोई लोग अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी कठोर कार्रवाई। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का होगा आगाज। 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति में होगी महोत्सव की शुरुआत। योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भरत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। योग साधकों के लिए 7 दिन का दिनचर्या रहेगा, साथ ही ड्रोन शो का आयोजन भी होगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से नाड़ी परीक्षण एवं मर्म चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। महोत्सव में योग के अलग अलग विषयों पर परिचर्चा की जाएगी जिसमें दूर दूर से आए कई विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। ऋषिकेश में 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का होगा आगाज। 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति में महोत्सव की शुरुआत होगी जिसमें दूर दूर से आए कई विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। अलग अलग विषयों पर परिचर्चाएं की जाएगी। 7 मार्च तक विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर परिचर्चा करेंगे। 1 मार्च को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। योग साधकों के साथ 7 दिन के दिनचर्या रहेगी, साथ ही ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर से नाड़ी परीक्षण और मर्म चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड ऋषिकेश में 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, तो इस महोत्सव में क्या कुछ खास रहने वाला है, अधिक जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, स्मृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देवभूमि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज किया जाना है। वही 1 मार्च से 7 मार्च तक यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। 1 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अन्य अतिथियों की उपस्थिति में इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। वहीं इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण व पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे जी। और योग साधकों के लिए 7 दिन की यहाँ पर दिनचर्या की जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे राज्य में, पूरे देश में इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए इस कार्यक्रम की शो का आयोजन ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की ओर से नाड़ी परीक्षण और मर्म चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाह रहा हूँ कि इसका एक विशेष नाड़ी परीक्षण एवं मर्म चिकित्सा शिविर इसका एक विशेष महत्व है क्योंकि हमारे आयुर्वेद में योग चूंकि एक बहुत पुरानी साधना है,
योग भारत की एक पुरानी परंपरा है। इस पुरानी परंपरा को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जीवंत रूप दिया गया, जिसमें स्वामी रामदेव का भी काफी सहयोग मिला है। उसी के साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय मानव पटल पर स्थापित किया, उसके बाद ही इसको आगे के रूप में भी देखा जाए तो पहले सनातन धर्म में जिस प्रकार से परंपरा थी कि सनातन धर्म में नारी देखकर डॉक्टर पता लगा लेते थे कि किस तरह की बीमारियां, किस तरीके की परेशानियां लोगों को है, जी। तो उसी के साथ इस बार यही नारी परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि जो लोगों में भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेद के द्वारा इस तरीके का किसी भी प्रकार की बीमारी का हल नहीं निकाला जा सकता, या नारी के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की परेशानी है, किस प्रकार की बीमारी है, इसी का लोग जीवंत रूप देखेंगे, मूर्त रूप में उदाहरण देखेंगे कि लोगों की नारी देखकर वहां पर बैठे हुए आयुर्वेदाचार्य बता देंगे कि उस व्यक्ति को किस तरीके की परेशानी जी है। यशराज, जी, एक से सात मार्च तक चलने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्तुति की, इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत में योग के महत्व को बढ़ाना सबसे पहली बात है। दूसरी बात, इसका जो उद्देश्य है भारत में सनातन परंपरा स्थापित करना। तीसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो हमारी जो जड़ी बूटियों औषधि पर निर्भरता कम हो गई है, हम आयुर्वेद के अलावा जो अब हम होम्योपैथ के अलावा जो अब हम दूसरे विदेशी चिकित्सा पर निर्भर रहने लग गए हैं, विदेशों की ओर हम अपने इलाज करवाने जाने लग गए हैं, उससे हमको यह दिखावा दिलाना ये उद्देश्य यह है कि हमारे देश में भी इस तरीके की चिकित्सा पहले से भी थी और इस तरीके की चिकित्सा अभी भी है। यह सबसे पहला यह उद्देश्य यह भी है। और साथ ही साथ योग कहते हैं, योग करो रहो निरोग, इस तरीके से योग करने से लोग निरोग रहते हैं। आज के दिन में लोगों की दिनचर्या इस ढंग से हो गई है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के विषय में जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसलिए लोगों को अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाने के दिशा में ही योग एक सबसे बड़ा माध्यम है, जिससे लोग अपनी दिनचर्या से में से कुछ समय निकालकर योग करें और अपने आप को फिट रखें, ताकि एक स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ देश और समाज का निर्माण कर सकेंगे। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में लॉन्च किया गया। इससे पहले दीप प्रज्वलन के साथ ही वंदे मातरम गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बेला टोलिया उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री भावना मेहरा ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देते हुए कहा कि महिला मोर्चा प्रदेश के हर बूथ में कम से कम 15 ऐसी महिला लाभार्थियों के साथ इस कार्यक्रम को करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में से किसी भी योजना का लाभ मिल रहा हो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की महिला मोर्चा हर मोर्चे पर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, उसी के निमित्त आज आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी इस सपने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष का जो एक लक्ष्य है, सेल्फी विद लाभार्थी 1 करोड़ का लक्ष्य है, और निश्चित रूप से ये लक्ष्य की पूरा तरह से लक्ष्य में हमें कामयाबी मिलेगी। और जितनी भी योजनाएँ महिलाओं के निमित्त रखी गई, जैसे उज्ज्वला योजना होगी, सुकन्या समृद्धि योजना होगी, महिला बचत सम्मान पत्र हो गया, किन किन योजनाओं के द्वारा बहनों को लाभ मिला है? भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं धरातल पर काम कर रही हैं, उस उपलक्ष्य पर आज हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया, सेल्फी विद लाभार्थी। तो उसी के लिए आज हमारी हल्द्वानी की महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर सेल्फी विद लाभार्थी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जिससे हमारे लाभार्थियों के साथ हमारी सेल्फी का कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे हमारी केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं जो हमें लाभार्थी मिले हैं, जो जैसे उज्ज्वला गैस योजना और जनधन योजना, सुकन्या धन योजना, तो इसके आधारित पे हम लोगों को आज ये केंद्र सरकार से जो हमें लाभार्थी संघ सेल्फी का प्रोग्राम जो
मिला है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम हम लोगों का आज लॉन्चिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हमारी माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी आज इसका लॉन्च करने वाली है महाराष्ट्र से, और उसी के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ये सारे जिला मुख्यालयों में आज इसकी लॉन्चिंग हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और एक आम नागरिक भी है इस देश के, तो हम सबका कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति अगर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और जन कल्याणकारी योजनाओं को इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लागू कर रहे हैं, तो जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है, और उसी के तहत हमारी सरकार द्वारा ये कार्यक्रम लाभार्थी विद सेल्फ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब PCS की परीक्षा हर वर्ष करवाएगा। आयोग ने तय किया है PCS परीक्षाओं में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। अभी तक उत्तराखंड PCS और UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। प्रस्ताव पास कर आयोग ने शासन को भेजा, शासन ने भी अगली PCS परीक्षा की तैयारी शुरू की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब PCS की परीक्षा हर वर्ष करवाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब PCS की परीक्षा हर वर्ष करवाएगा, इसको लेकर पैटर्न भी लागू किया जाएगा, तो क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल श्रुति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में जो युवा छात्र छात्राएं हैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि 5 साल के गैप में मुख्य परीक्षाएं कराई जाती थी, यानी 2017 में PCS की मुख्य परीक्षा हुई थी, 2023 में जाकर के PCS की मुख्य परीक्षा अब जाकर के हो पाई है, यानी 5 साल का पूरा गैप बीच में रहा है, जिसके बीच में जो एज फैक्टर है वो आगे निकल जाता है, ऐसे में वो अपने अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर के संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में बकायदा एक प्रस्ताव बनाकर के शासन को भेजा है, और शासन इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाएगा। इस प्रस्ताव में PCS की मुख्य परीक्षा और प्री एग्जाम के बीच में इतना समय नहीं होगा, साथ ही साथ पहली परीक्षा और दूसरे बैच की जो परीक्षाएं होंगी उसमें 5 साल का गैप नहीं होगा, यानी हर साल अब PCS की परीक्षाएं कराई जाएंगी, जिसको लेकर उत्तराखंड में जो पद खाली चल रहे हैं, जो SDM के पद खाली हैं, तहसीलदार के पद खाली हैं, नायब तहसीलदार के पद खाली हैं, जो लोग कहेंगे लोक सेवा आयोग के सापेक्ष में जो पदों के रिक्त स्थान है उनको भरने के लिए सरकार अब इस पर विचार करने जा रही है, लेकिन आयोग ने अपनी तरफ से शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसके बाद जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कहें कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जरिए टीचर्स जे में या PCS में या UPSC सिविल सेवा परीक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी और राहत की खबर है कि अब हर साल के पैटर्न पर UPSC अपना PCS के एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ऊर्जावान धामी सरकार की शानदार ऊर्जा पॉलिसी कर रही है ऊर्जा प्रदेश के 100% विद्युतीकरण का स्वप्न साकार। उत्तराखंड की अनुष्का को गणित के फॉर्मूले लगाना पसंद है और वो भी एक दिन प्रोफेसर बनना चाहती है। उसकी उम्मीदों को उड़ान दे रही है प्रदेश की कामयाब ऊर्जा पॉलिसी और राह रोशन कर रही है धामी सरकार। आज हमारे पहाड़ों में जगह जगह रोशनी पहुंच रही है जिससे हमने पढ़ने में बहुत सहायता हो रही है, और हम इस शानदार पावर सप्लाई के लिए धामी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव में सूर्यास्त तो होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। कुमाऊं और गढ़वाल के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र अब अंधेरे में नहीं डूबते हैं। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का धामी सरकार का संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं ने अपना भरपूर असर दिखाया है, तभी तो उत्तराखंड जगमगाया है। पहले जिन गांवों में बिजली पहुंचाना एक चुनौती थी, वहां झिलमिलाते बल्ब
बदलाव की गवाही दे रहे हैं। केरोसिन के लैंप बीते कल का इतिहास है, आज घर घर में भरपूर प्रकाश है जिसकी रोशनी में बच्चे पढ़ते हैं। ये संभव हुआ है धामी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति से। जब राज्य गठन हो रहा था तो राज्य गठन से पहले जो राज्य की मूल अवधारणा थी कि राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आर्थिकी का क्या साधन होगा, तो उसके मूल में था कि ये ऊर्जा प्रदेश बनेगा और ऊर्जा प्रदेश के नाते ही यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी, यहाँ का विकास होगा, यहाँ का संवर्धन होगा और हमारी मुख्य आर्थिकी का आधार हमारी ये जल विद्युत की परियोजनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भर सशक्त बन रहा है ऊर्जा प्रदेश, प्रकाश से विकास धामी सरकार का उद्देश्य। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जाँच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर वो जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयां भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसे उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टिटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गांवों में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गांवों की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गांवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। We'll be right back.
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोशीमठ से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ढाक गांव मौजूद है और इसी ढाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर करीबन 15 प्री फैब्रिकेट्स हट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनटीपीसी की भूमि पर करीबन 15 प्री फैब्रिकेट हट फिलहाल डेमो के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य आजकल बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ तक कि कई प्री फैब्रिकेट्स हट पूरी तरह से तैयार होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ढाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर करीबन 50 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं। इन प्री फैब्रिकेट्स हट बनाने के निर्माण कार्य में 15 प्री फैब्रिकेट्स हट पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हालांकि जोशीमठ के उद्यान विभाग की भूमि पर भी करीबन तीन फैब्रिकेट्स हट तैयार हो चुके हैं, वहां पर भी कार्य प्रगति पर है। धामी सरकार ने इस बार यात्रा सीजन में यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री के लिए 5,500 यात्रियों की संख्या निर्धारित की है, तो वहीं आखिरी धाम बद्रीनाथ के लिए 18,000 यात्री प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जिस पर तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पर्यटन विभाग का यह फैसला समझ से परे है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया है कि धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने का यह फैसला बिना परंपराओं को जाने और ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करते हुए हवा में लिया गया है। पच्चीस से 30,000 आदमी रह सकता है। साक्षी होटल, ऐसे बड़े बड़े होटल वहां बनने जिनकी कैपेसिटी एक एक होटल में कम से कम जो है 200-300 आदमी रह सकते हैं। इतनी कैपेसिटी होने के बाद गंगोत्री में 10,000 आदमी रह सकता है। खुद यात्रा आप कभी आए और जो लोग आए भी होंगे उन्होंने देखा होगा। तो इतनी व्यवस्थाएं जब हैं तो यात्री को पहले ही रोकना, पहले ही डराना। बम्बई से यात्री का फ़ोन मेरे पास आ रहा है, महाराज कैसे होगा ये कहाँ, और जो गरीब आदमी है उसके लिए कितनी दिक्कत है। पिछली बार आपने देखा होगा कि हरिद्वार में कितने लोग जो है हज़ारों लोग रहे, गरीब लोग थे, उनको ऑनलाइन करना नहीं आता, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा जो ये पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है, ये लगातार चार धाम यात्रा पे प्रयोग करते जा रहे हैं, और इसी प्रयोग की कड़ी एक ये है कि इन्होंने जो है पंजीकरण की सुविधा की है। इसमें स्थानीय लोगों को भी इन्होंने जोड़ दिया है, जो पूरी तरह से व्यवहारिक है। हमारा मानना ये है कि जो पंजीकरण की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि तीर्थयात्रियों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो देश के कोने कोनों में जो श्रद्धावान यात्री आते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा करने की व्यवस्था नहीं है, तो क्या सरकार उन लोगों को जो है दर्शनों से वंचित करना चाहती है क्या एक आम ग्राम। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।